जय श्री कृष्ण, शुभ प्रभात। तो आज है मेरा 12वां दिन और कल रात को मैं रुकी थी फाटा नाम के गांव में और यहाँ पे एक कृष्णा लॉज करके एक होटल है वहाँ पे। को दिखा नहीं पाई कि मैं कहाँ पे रुकी थी क्योंकि मैं कल रात को बहुत थक चुकी थी और मेरे को बुखार आ गया था। सो सॉरी। एंड तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है। अभी हमने 10 मिनट के लिए चाय नाश्ते का ब्रेक लिया है तो फिर हम चाय नाश्ता करेंगे। अभी चपटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये एक बहुत ही सुंदर अमेजिंग व्यू है, इसलिए हमने 15 मिनट का ब्रेक लिया है। ये व्यू बहुत ही अच्छा है, देखिए आप।
आपने वेगनआर में की है। नजारे से हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, इसलिए हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की और बहुत ही मजा आया, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। हमने हमारे गोप्रो में टाइम लैप्स लिया है, तो अभी चलने का वक्त है, तो चलिए। यहाँ से आप लोग टुंगनाथ महादेव मंदिर जा सकते हैं, वो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। आप चल के भी जा सकते हैं और हॉर्स पे भी जा सकते हैं। टुंगनाथ महादेव मंदिर से 2 किलोमीटर आगे चंद्रशिला करके एक पहाड़ है, वहाँ से आपको पूरी हिमालय का रेंज दिखेगा।
तो ये आपका टेंट का क्या रेंट लेते हैं? सर इसका अप्रोक्स 1500 रुपये रहता है पर पर्सन या फिर पूरा टेंट? पर पर्सन में अगर बात करें तो हम 500 रुपये से स्टार्ट होता है। अच्छा। डिपेंड करता है सर कि वीकेंड है या किस किस तरीके से। और अगर बड़ा ग्रुप है सर तो हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड फैसिलिटीज़ में हम म्यूजिक प्रोवाइड करवाते हैं, कैंप फायर प्रोवाइड। ऊपर जगह कितनी होगी? ये करीब छः नाली क्या कहते हैं, छः नाली के करीब। ओके, पूरा जंगल है, जंगल के बीच में आप देखें। चमोली से कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है, वहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे टेंट सुविधा भी है। ये एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे टेंट की सुविधा है और शाम को कैंप फायर और वो सब होता है। तो खाना वैसे बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। और हमारे प्लान में थोड़ा चेंजेस आया है, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि हम आज की नाइट चोपटा में करेंगे, लेकिन उसमें चेंज है कि आज की नाइट हम चोपटा में नहीं बल्कि जोशीमठ में करने वाले हैं। बज चुके हैं और अभी पूरा अंधेरा हो गया है। अभी हम जोशीमठ से 21 किलोमीटर की दूरी पे एक पिनोला करके गांव में रुके हैं और यहाँ पे एक सिद्धार्थ होमस्टे करके है और आज की नाइट हम यही करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। हमने दो रूम लिए हैं, ये देखिए हमारा रूम। वॉशरूम है, इधर गीजर फैसिलिटी है।